सो फाइनली दोस्तों सलमान खान एंड कैट्स हो जापानीज एंड रिलीजिंग एज टाइगर थ्री और कुर्सी कुर्सी कैट्स हो सॉरी दोस्तों जापान ने बोल दिया और सॉरी यार हिंदी में आ जाओ यार अपने हिंदी में आ जाओ। सो भाई लोगों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रवि चौधरी और आप देख रहे हैं तेरी मेरी बातें। भैया टाइगर थ्री को लेकर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अभी मैं पीछे जो बोल रहा था वो जापान ने बोला था, अब मैं हिंदी में आ गया। सो भैया कुल मिला के टाइगर थ्री दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जापान के अंदर अब होगी रिलीज विद जापानी सब टाइटल्स और भाईजान के फैंस असेंबल हेयर और भाई साहब प्रमोट कर लो, क्योंकि भाई साहब इंडिया में तबाही तो मचा दी थी भाईजान ने टाइगर थ्री से। अब दोस्तों जापान के अंदर भी टाइगर थ्री रिलीज हो चुकी है 3 मई को आज, और भाई साहब तैयार हो जाओ अपनी कमर की कुर्सी की पेटीकोट जो बांधना है बांध लो, क्योंकि अब सल्लू भाई ना भाई छोड़ेगा नहीं। और वैसे भी आजकल भाईजान बहुत ट्रेंड हो रहे हैं, हम सबको पता है किस लिए हो रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखना, लाइक कमेंट करना एंड अपने भाई रवि चौधरी को प्यार नहीं दिया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके प्यार दे दो, और क्योंकि अपन भाई यार प्यार के भूखे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया सभी भाई लोगों को एक बार फिर से नमस्कार। देखो यार दोस्तों टाइगर थ्री मूवी की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं कि कई लोग अगर भूल गए होंगे, कई लोगों ने बहुत ट्रोल किया टाइगर थ्री को इसकी स्टोरी को लेकर कि भैया पाकिस्तान की पीएम को बचा था इसलिए फ्लॉप गई। लेकिन बता दूं कि जो लोग सोच रहे हैं कि टाइगर थ्री फ्लॉप हो चुकी है, तो भैया टाइगर थ्री फ्लॉप नहीं हुई है। टाइगर थ्री जो फिल्म है दोस्तों आपको बता दूं कि 486 करोड़ ऑलमोस्ट 500 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी थी, और उसके साथ ही साथ इंडियन नेट से 250 करोड़ की पार जा चुकी थी। इस फिल्म का बजट थोड़ा महंगा था, 300 करोड़ के आसपास का, लेकिन ये जो फिल्म लोग बात कह रहे हैं, कुछ हेटर लोग सलमान खान के कुछ जितने भी आंडू पांडू लोग जो ये बोल रहे थे कि भाईजान की फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो चुकी है, तो भैया ये फिल्म फ्लॉप नहीं हुई थी, ये फिल्म हिट कैटेगरी में जा चुकी थी। ठीक है, हाँ आई नो ब्लॉकबस्टर भी इतनी नहीं हुई, क्योंकि जिस टाइम पे इस फिल्म को रिलीज किया गया आपको बता दूं वर्ल्ड कप का मैच था, लोगों में एक्साइटमेंट था, दिवाली थी, मल्टीपल फेस्टिवल्स था, और साथ ही साथ वर्ल्ड कप हारने के बाद जनता जो निराश हो गई थी कहीं ना कहीं दोस्तों, इतने सारे प्रेशर के बाद भी टाइगर थ्री 500 करोड़ का कलेक्शन करना विच इज नॉट अ क्या बोलते हैं इजी टास्क यार। मतलब सलमान भाई ने अगर ये किया भी, और ये फिल्म चली कितने दिन भाई साहब, मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ते तक फिल्म चली होगी, और इस बीच इतने सारे तमाशे हो गए थे आपको पता ही है, वर्ल्ड कप का मैदान, वर्ल्ड कप का मैच था, फिर उसके बाद जनता निराश हो गई क्योंकि इंडिया हार गई थी, फिर जश्न मनाना। अगर इंडिया जीत जाती है वर्ल्ड कप मैच, मैं भाई लिख के दे रहा हूं 200-300 करोड़ और बढ़ जाते हैं इंडिया के अंदर, सच्ची बता रहा हूं मैं। बट ठीक है दोस्तों, ये फिल्म फ्लॉप तो हुई नहीं थी, एंड भाईजान ने साफ साफ इंटरव्यू में आके बोल दिया था कि मेरी फिल्में कभी फ्लॉप नहीं होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी फिल्में का कलेक्शन हो जाता है, एंड प्रोड्यूसर कभी निराश नहीं होते, एंड ना प्रोड्यूसर को कभी निराश करते हमारे अपने भाईजान सल्लू भाईजान। जी हाँ, अभी देखो यार उनकी बहुत सारी फिल्में आने वाली है, और एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों कि अब ट्रिपल आर के रिकॉर्ड भी खत्म होते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, SS राजामौली जूनियर NTR और आपके रामचरण ऑस्कर विनिंग एक्टर डायरेक्टर, दोस्तों आपको बता दूं कि ट्रिपल आर मूवी एक ऐसी मूवी जो कि SS राजामौली ने जापान से लेके चाइना तक हर जगह इसको रिलीज करवाया, और जापान में ट्रिपल आर 140 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करती हुई नजर आई थी उस टाइम पे दोस्तों, जब इसकी हाइप बन रही थी ट्रिपल आर की, हम सबको पता है 140 करोड़ भाई साहब सोच सकते हो। लेकिन अब क्योंकि टाइगर थ्री भी जापानीज लैंग्वेज में रिलीज हो गई है, सब टाइटल ऐड करके उसके ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं जापान के अंदर, एंड मैं देख रहा हूँ कि जापान के जितने भी लोग हैं वो अपने जो उनका जो बुक माई शो है, जो भी नाम होगा उनका आई डोंट नो, बट वहाँ पर जितने भी उनके पोर्टल से सब टिकट धराधर बुक कर रहे हैं, शोज और हाउसफुल दिख रहे हैं मोस्टली। एंड दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि भाई लोग बाग काफ़ी एक्साइटेड है सल्लू भाई जान की फिल्म टाइगर थ्री को देखने के लिए, एंड कहीं ना कहीं दोस्तों जब से इंडियन सिनेमा बना है ना, क्योंकि पहले बॉलीवुड टॉलीवुड कॉलीवुड अभी भी होता है, बट यार अब ये इंडियन सिनेमा है, और जब से दोस्तों इंडियन सिनेमा बना है भाई हमारी फिल्में, ऑफ कोर्स हमारी फिल्में जो है ऑस्कर विनिंग हो रही है, जापान में रिलीज हो रही है, चाइना में रिलीज हो रही है, सो यहाँ पर इंडियन सिनेमा का नाम हो रहा है, और सल्लू भाई ने फिर से एक बार इंडिया का नाम ऊँचा कर दिया। ट्रिपल आर के रिकॉर्ड भी टूटेंगे दोस्तों, क्योंकि 140 करोड़ जापान में, मैं गारंटी कहूँगा भाई अगर ये दमदार चल गई ना टाइगर थ्री, एक्शन से भरपूर है, और सलमान खान की फैन फॉलोइंग दोस्तों अब इंटरनेशनल लेवल पे गूंज रही है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दूं 140 क्या है, 150 करोड़ का कलेक्शन करके ग्रॉस ट्रिपल आर की भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है सलमान खान की फिल्म टाइगर थ्री। टाइगर थ्री में हर वो एलिमेंट है दोस्तों, क्योंकि उस फिल्म के अंदर ऑफ कोर्स
सलमान खान है, शाहरुख खान का भी स्पेशल कैमियो है और वी आर सो एक्साइटेड। ऑफ कोर्स है शाहरुख खान की भी फैन फॉलोइंग ओवरसीज में बहुत ज़्यादा है, तो इस फिल्म को वैसे भी बज मिलेगा। एंड हम वो मंजर कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, जब टाइगर थ्री रिलीज की गई थी तो उस टाइम पर थिएटर में आग लग गया, क्रैकर्स पटाखे जला दिए गए और भाई साहब बिल्कुल खतरा हो गया जान का। वो एंट्री सीन एपिक एंट्री सीन, और जब भी सल्लू भाई की एंट्री होती है ना भाई, पटाखे क्या मतलब थिएटर जल जाता है भाई। तो वो मंजर देखने को फिर से एक बार जापान मिलेगा, और जापान लोग तो चिल्लाएंगे भी तो ऐसे चिल्लाएंगे, ओ साहब जी आग लग गई, अरे सॉरी यार मैंने नेपाली में बोल दिया, ठीक है सॉरी दोस्तों। बट ओवरऑल दोस्तों ऑफ कोर्स ये जो फिल्म है सलमान खान की टाइगर थ्री, आई विश आई प्रे जापान के अंदर भी विद जापानीज सब टाइटल्स, अभी यशराज फिल्म ने शेयर किया है पोस्ट विद जापानीज सब टाइटल जापानीज लैंग्वेज में लिखा हुआ, और ये फिल्म बिलीव करता हूँ मैं कि 500 करोड़ जापान के अंदर भाई कन्फर्म कर दे कम से कम। अब वहाँ भी 500 करोड़ का डंका बज जाए दोस्तों, जी हाँ इंडिया में तो बज ही गया, जापान में भी 500 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हम, मतलब INR में करेंसी में कन्वर्ट होने के बाद 500 करोड़ कमाई ले, RRR के सबके रिकॉर्ड तोड़ दे। तो बस दोस्तों कितने ज्यादा एक्साइटेड हो सलमान खान के फैंस लोग, क्योंकि बड़े दिनों के बाद अपने सल्लू भाई की फिल्म यार जापान चाइना और ऐसे जगहों पर रिलीज हो, ओवरसीज में फिल्म रिलीज हुई थी बट जापान के अंदर कुछ कुछ ऐसी कंट्री थी जहां रिलीज नहीं हुई, हालांकि UK UA जर्मनी में रिलीज होती है फिल्में, बट मोस्टली फिल्में चाइना इज लाइक बांग्लादेश, साथ ही साथ कई ऐसी कंट्री और है जैसे कि जापान हो गया और भी तमाम कंट्री है, रशिया भी है। सो कहीं ना कहीं दोस्तों उन जगहों पे भी इन फिल्मों को रिलीज करना चाहिए। दोस्तों जब से ये टाइगर थ्री का पोस्टर आया जापान के अंदर, आज से मूवी रिलीज हो रही है, हेटर लोगों के बहुत रिएक्शंस आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं यार वहाँ भी जापान में भी फ्लॉप होगी, कुछ के मैंने रिएक्शंस पढ़े तो कह रहे हैं कि यार फ्लॉप फिल्म है, कुछ के रिएक्शंस आ रहे हैं कि यार नहीं यार सलमान खान की ये जो फिल्म है मतलब घंटा ही कलेक्शंस करेगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों डिजास्टर बताया जा रहा है और जापान में भी डिजास्टर होगी, तो ये हेटर लोगों के दोस्तों रिएक्शंस आ रहे हैं। बट ओवरऑल दोस्तों आई बिलीव ये फिल्म फाड़ेगी, एंड कितने ज़्यादा एक्साइटेड दोस्तों आपने जब अभी टाइगर थ्री देखी या नहीं देखी कमेंट करके बताओ, एंड क्या लगता है जापान के अंदर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की रिपोर्ट आती है डेफिनेटली दूंगा, क्या जापान के अंदर ये फिल्म झंडे गाड़ पाएगी बॉक्स ऑफिस में, कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह प्यार देते रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।